कब चलना है? अश्वमेध यज्ञ में तो मुंबई में अश्वमेध महायज्ञ 21 फरवरी से 25 फरवरी तक शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और उसकी तैयारी एक वर्ष पहले से चल रही है। यह यज्ञ बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही अलौकिक और बहुत ही अद्भुत संपन्न होने जा रहा है, अद्भुत रूप में। यदि हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी यह भाव पैदा अवश्य होंगे कि हम भी अश्वमेध यज्ञ को अटेंड करें और इस पुण्य का लाभ प्राप्त करें। और जिस यज्ञ में करीब 1 करोड़ लोग उपस्थित होने वाले हैं, उस यज्ञ में जैसे उस यज्ञ की घोषणा हुई तो यज्ञ के संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार जी वर्मा हैं, सौभाग्य से वो अपने मित्र भी हैं और परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान के वो वैज्ञानिक रहे हैं और इस समय में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने और भी वहाँ पर राजेश जी हैं और प्रकाश मुरजानी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, सभी अपने परिचित हैं। वहाँ से भी उनका फ़ोन आया था कि डॉक्टर साहब आपको पूरी टीम को लेके आना है यज्ञ में, तो सभी लोग परिवार सहित चलें, अश्वमेध यज्ञ का लाभ प्राप्त करें, उन्हीं आहुतियाँ समर्पित करके। तो सभी से अपील है अपने गायत्री परिवार पचोर के सभी साथियों से कि परिवार सहित उस अश्वमेध यज्ञ में चलें और उसमें अपनी पुनीत आहुतियाँ समर्पित करें और पुण्य लाभ कमाएं। 21 से 25 फरवरी भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, भगवान राम ने त्रेता युग में कराया था, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान राम ने कराया था और त्रेता युग में भगवान राम ने यज्ञ कराया था अश्वमेध यज्ञ और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कराया था और कलयुग में हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतारी भगवान महाकाल के अवतारी वो जो है अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। तो उस अश्वमेध यज्ञ का हमें लाभ प्राप्त करना है। दर्शन मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप क्षीण होते हैं, बिल्कुल सही, और यज्ञ करने से तो हमारे पापों का प्रायश्चित भी होता है और हमारा ये मानव जीवन, अरे वहाँ की एक परिक्रमा हो जाएगी जिसमें बहुत बड़ी बात है।